वाले छह अमेजिंग अमेजिंग नए नए जूते जो कि जस्ट ही लॉन्च हुए हैं और सारे अमेजिंग अमेजिंग ब्रांड से आते हैं। पहला जो ब्रांड हम देख रहे हैं वो है हमारा सबका फेवरेट रेड टेप। नॉर्मल आपको बॉक्स मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 6,299 विच इज इक्वल्स टू अनाब सनाब। इतना आपको नहीं पे करना है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करिए ना, हाथ में पकड़ते साथ आपको फील होगा कि इसका जो पूरा वेट है वो सिर्फ इसके आउटर सोल पे आ रहा है। मेजर इसमें आपको दो तीन कलर देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक है, सिल्वर है, व्हाइट है और थोड़ा सा क्रीमिश कलर है या लाइट बेज समझ लो। पूरी बॉडी नीटेड फैब्रिक से बनाई गई है, हल्के हल्के आपको अमेजिंग अमेजिंग टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे और निटिंग के लिए ग्रे और ब्लैक थ्रेड भी यूज किया गया है। मेश का आपको पूरा टंग देखने को मिल जाएगा, बड़ा मेश इसमें यूज किया गया है, वेंटिलेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। साथ ही ऊपर में आपको एक पुल टाइप जैसा मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ रेड टेप रनिंग। ब्लैक कलर के आपको लेस देखने को मिल जाएंगे, लेस होल्स के साइड साइड में आपको प्रॉपर पीयू या लेदर टाइप के मटेरियल की ना आपको टचिंग मिलती है जो कि इसे बहुत ज्यादा मजबूत बना रही है। बैक साइड में भी आपको यही लेदर पैच देखने को मिल जाएगा, बैक में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और क्लोजली भी देखोगे ना तो इस पैच पे आपको हनी कॉम जैसी डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। तो छोटी छोटी डिटेलिंग्स में ना ये बहुत अच्छे से काम करती है कंपनी। बाकी अंदर अंदर की पैडिंग या कॉलर गट की बात करें इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंसोल की अगर क्वालिटी की बात करें डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी, लेकिन वही इसका कलर जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जूते से ना टोटली हटकर लगता है। जूते के आउटर साइड में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जिसके ऊपर रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की गई है। और अगर आउटर सोल की बात करें यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ईवीए फोम देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे की तरफ आपको रेड टेप का लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक बार आपको ड्रिफ्ट प्लस देखने को मिल जाएगा जो कि इसके फोम का नाम है। बाकी पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है गाइस, डेफिनेटली लाइट वेट प्रीमियम प्रोडक्ट फील होता है। एंड हमेशा से जैसा मैं आपको कहते आया हूँ कि रेड टेप के जूतों में ना अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको डिजाइन पसंद करना है, चीज आपको अच्छी मिलेगी। हालांकि आउटर सोल के बैक साइड के अगर पोर्शन को देखे हुए ना थोड़ा सा आपको बम्पी जैसा या उठा हुआ देखने को मिलेगा, ये रनिंग वाइज या अर्गोनॉमिक्स वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन डिजाइन जो इसका है ना वो नाइकी के जूते से कॉपी किया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा जूता है वो सिर्फ और सिर्फ जूता है। अब देखो हुआ क्या कि हमने इस वीडियो के लिए दो एशियन के जूते रखे थे, जब आया तो पैकेट में भाई सिर्फ जूता था, बॉक्स नहीं था। यहाँ पर डेफिनेटली जूता बहुत ज्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा, एशियन है भाई, अच्छा काम कर रही है बजट में रहकर। क्वेश्चन मार्क क्या सच में, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कलर की बात करें ब्लैक एंड ऑफ व्हाइट का ना बहुत खूबसूरत सा ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा। पूरी बॉडी आपको मेश की देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट मेश है। अगर मटेरियल के टच एंड फील की बात करें ना, अगर आपने कभी पुराने समय की मच्छरदानी को अगर छुआ होगा गाइस, प्लास्टिकी जैसा खरखरा सा फील होता है, अगर आपको याद हो एग्जैक्टली ही वैसा फील होता है। और उसी के ऊपर आपको बहुत सारे डिजाइनिंग पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे पूरे ही जूते में। लेस आपको पूरा ब्लैक कलर का मिलता है, लेस होल्स के साइड साइड में आपको रबर की कोटिंग मिलती है, जहां पर रेड टेप में आपको यहाँ पर लेदर पैच मिलता है। ये ना दिमाग में कंपैरिजन भी करते जाना। आउटर साइड में आपको एशियन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, टंग पूरा इसमें मेस का बना हुआ, अच्छी क्वालिटी का है, पैडेड है और ऊपर में भी आपको एशियन की ब्रांडिंग मिलती है। बैक की तरफ आपको एक पुलटॉप देखने को मिल जाता है, एक प्लास्टिक या रबर जैसा ना आपको पैच देखने को मिलता है, जहां पर आपको चेक्स जैसे पैटर्न देखने को मिलेंगे। एशियन की आपको इसमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, राइट साइड की पैडिंग वैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड फाइनली इन्होंने अपना इंसोल भाई इंप्रूव किया, क्वालिटी में नहीं कलर में, क्वालिटी में अच्छी थी ऑलरेडी, अब यहाँ पर एक रेड कलर का इंसोल आपको देखने को मिलता है जो कि जूते के हिसाब से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऑरेंज या ग्रीन या येलो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अच्छा अंदर कागज भरा हुआ है और मैं ऐसे ही ठूस दे रहा हूँ। हालांकि अभी भी इसमें आपको मेमोरी फोम देखने को मिल जाएगा। आउटर सोल की बात करें यहाँ पर आपको फोम देखने को मिलता है ईवीए, इस पे आपको ना ऐसे गोल गोल जैसे ना पैटर्न देखने को मिलेंगे। बैक की तरफ आपको पूरा टीपीयू सोल देखने को मिलता है, बेसिकली प्लास्टिक और रबर जैसा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर पावर, कुछ भी लिखते अपने जूते के ऊपर, मुझे इग्नोर करना। बाकी पहनने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। एक दो चीजें हैं जो आपको फील होगी एशियन के जूतों में, वो ये कि बिल्ड क्वालिटी वाइज ना भाई आपको तगड़ी चीज लगेगी। साथ ही अपर जो मटेरियल है ना अदर जूतों से, अगर मैं इसे कंपेयर करूं रेड टेप वाले से, तो ये ना थोड़ा लाइट वेट और थोड़ा सा स्ट्रेची जैसा फील होता है। वहीं अगर इसके मटेरियल की बात करें ना, तो ये थोड़ा सा हैवी और ज्यादा मजबूत फील होता है। साथ ही अंदर की तरफ भी अगर मैं छूं ना, तो अच्छी खासी ना भाई पैडिंग की गई है चारों तरफ। पहनने में कैसा लग रहा है ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लो। और जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, वो ये है कि अगर जूता बॉक्स में नहीं आएगा तो मे बी आपको रिटर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब वो रिसीव करने आएगा वो बोलेगा भाई मुझे बॉक्स चाहिए, वो आपके पास होगा नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा एशियन का जूता है वो अगेन बॉक्स के साथ नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके क्वालिटी की बात करें, डेफिनेटली हैवी मटेरियल, हैवी बिल्ड क्वालिटी आपको फील होगी। कागज को निकालते साथ अगर वेट की बात करें, नॉट वेरी लाइट, थोड़ा सा हैवियर साइड में जूता फील होता है। पूरी बॉडी अगेन वही सेम आपको मटेरियल की देखने को मिल जाएगी, निटेड जैसी है, थोड़ी सी रफ टफ टेक्सचर ही आपको फील होगी। मल्टीपल कलर्स इस जूते में आपको देखने को मिलेंगे, ऑरेंज है, ब्लू है, व्हाइट है, ब्लैक है, बहुत सारे कलर्स हैं। फ्रंट में आपको वेंटिलेशन के लिए होल देखने को मिल जाएंगे, साइड साइड में आपको पूरी रबर की कोटिंग देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको चेक्स जैसे पैटर्न देखने को मिलेंगे। ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ब्लैक कलर का आपको लेस देखने को मिलता है, नॉर्मल सा आपको टंग देखने को मिलेगा जिसके ऊपर एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब जूते के हिसाब से अगर टंग को देखोगे
देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे छोटा टंग लगा, थोड़ा सा और वाइट और फ्लफी कर सकते थे। साइड साइड की पैडिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इंसोल की पैडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ऑरेंज इंसोल इन्होंने दिया है, लेकिन ये यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि इसके कलर थीम में भी ना आपको ऑरेंज मिलता है। बैक की तरफ आपको पुल टैप देखने को मिल जाएगा। आउटर सोल की बात करें, यहाँ पर भी आपको फोम और टीपीयू सोल का ना एक अच्छा मिक्सचर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फोम की क्वालिटी सिर्फ जज करें ना भाई, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फोम इसमें डाला गया है। बाकी आपको टीपीयू सोल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक कलर का ग्रेडियंट है। नॉर्मल सा है, खूबसूरत दिखता है, शाइनी शाइनी कहीं मैट मैट। और आउटर साइड में इसको नाम दिया गया है मेगा पिलो टेक्नोलॉजी। एंड ओवरऑल जूता थोड़ा सा चंकियर बल्कियर और प्रॉपर ना स्पोर्टी लगता है क्योंकि इसका कलर वैसा है। देखो अगर सच में बताऊं तो एशियन ना सारी जगहों पर अच्छा काम करती है, लेकिन मुझे डिजाइन या कलर सिलेक्शन में ना वो कंपनी हमेशा फीकी लगती है। एक बार आप जस्ट रेड टेप को देखो, कितना ज्यादा क्लीन सुपीरियर और रिच लगता है। वही ये ना अच्छा होते हुए भी अपने कलर की वजह से ना थोड़ा सा वीक हो जाता है। आई विश एशियन इसे भी इंप्रूव करेगी। ऐसे जूते में कंफर्ट या बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता था हमारा भाई यूएस पोलो की तरफ से, एक सिंपल सा कार्डबोर्ड का बॉक्स, जहां पर प्राइसिंग लिखी हुई 3,399। इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, बड़ा बड़े से निकालते हैं। और अगर जूते की बात करें ना भाई, एक बहुत खूबसूरत सिंपल क्लीन एलिगेंट कंटेम्पररी लुकिंग वाला व्हाइट स्नीकर है, और हाथ में पकड़ते साथ ना आपको एक वजन सा फील होगा, जो कि ठीक ठाक बात है क्योंकि स्नीकर्स थोड़े से भारी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिजाइन की बात करें, ऑब्वियसली व्हाइट कलर आपको देखने को मिलता है। आउटर साइड में यहाँ पर आपको तीन कलर्स देखने को मिल जाएंगे, नेवी ब्लू, व्हाइट एंड थोड़ा सा डीप मरून टाइप का कलर है। ये रबर कोटिंग के थ्रू यहाँ पर कलर को डाला गया, खूबसूरत लग रहा है, और गंदा होने पे ना इजिली साफ भी कर पाओगे। व्हाइट कलर आपको लेस मिलता है, मेटल के पूरे आइलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और नॉर्मल सा आपको टंग देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको एक बड़ा सा रेड कलर का पैच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर यूएस पोलो और यूएसपीए की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग स्नीकर वाइज देखो ठीक है, इंसोल की क्वालिटी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे इसके इंसोल की, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये निकल तो नहीं रहा, लेकिन इंसोल पे पूरा फैब्रिक का काम है, साथ ही आउटलाइनिंग पे भी ना एक अलग से फैब्रिक डालकर उसको सिला गया है। बैक की तरफ आपको एक मरून कलर का पैच देखने को मिल जाएगा, जहां पर यूएसपीए की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल लेदर पैचेस यहां वहां आपको देखने को मिलेंगे। और लेदर की क्वालिटी की बात करें ना, बहुत ही मैट और टेक्सचरी मटेरियल यहां पर दिया गया है, बहुत ज्यादा रिच लगता है। और डेफिनेटली आउटर सोल में आपको रबर देखने को मिलने वाला है। नीचे की तरफ आपको यूएसपीए की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। देखो ये ऐसे जूते है ना जो कि एवर एवर ग्रीन रहने वाले हैं, चाहे कौन से भी स्टाइलिंग करो, ऐसे भी कपड़े पहनो, कुर्ते पहनो, सूट्स पहनो, शॉर्ट्स पहनो, जो भी पहनोगे ना ये सारे जूते उस पे जमने वाले हैं। प्राइस भी आपको जमेगा जो कि है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में भाई, ब्रांड है रेड टेप क्लासिक। देखो अब बिलीव नहीं करोगे, हम रेड टेप के ईच एंड एवरी जूतों को रिव्यू करते हैं। मेक श्योर के सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आपके लिए सही चीजें खरीदने में हेल्प करता हूं। रेड टेप का बॉक्स मिल जाएगा, प्राइस यहां पर लिखी हुई है 5,599। अब भी इस पे ट्रस्ट मत करना, 70-80% तो आपको हंस के डिस्काउंट मिल जाएगा। इस जूते को देखकर आपको किसकी याद आती है मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे अगर इस जूते की बात करें, पूरा लेदर का जूता है, लेदर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, मल्टीपल लेदर पैचेस देखने को मिल जाएंगे। कलर जो आपको देखने को मिलेगा वो है व्हाइट, ब्लू एंड रेड। पहले इसके अच्छाइयों की बात करते हैं, बुराइयों पे बाद में जाएंगे। लेदर की जो क्वालिटी है ना वो डेफिनेटली आपको इंप्रेस करेगी प्राइस वाइज, और चारों तरफ जो स्टिचिंग्स की डिटेलिंग है और उसकी जो क्लीननेस है ना, मतलब कितने अच्छे से स्टिचिंग किया गया है, वो आपको इंप्रेस करेगा। आउटर साइड में आपको रेड टेप का लोगो देखने को मिल जाएगा, विच इज उछलता हुआ शेर, और तीन आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे, क्रिस क्रॉस होते हैं। बैक की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक और लेदर पैच देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन एक पीओ पैच पे की गई है। नॉर्मल आपको टंग देखने को मिलता है, ऊपर में आपको रेड टेप क्लासिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, हल्की हल्की आपको इसमें पैडिंग देखने को मिलती है। आधा इसको निकाल कर अगर वेट की बात करें ना, डेफिनेटली हल्का आपको फील होगा क्योंकि इसमें वैसा कुछ है ही नहीं इसे भारी करने के लिए। मिड सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मोटा सा फोम देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर में आपको बहुत सारे होल्स देखने को मिल जाएंगे वेंटिलेशन के लिए, और अंदर की तरफ आपको रेड टेप क्लासिक की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। आउटर सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ फोम देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही ना कम थिकनेस डाली गई है इसकी। मेजरली जो आपको इसमें मिलेगा ना वो है इसका हार्ड रबर ग्रे, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर में है। उछलता हुआ आपको शेर देखने को मिल जाएगा, और ये जो बॉटम सोल है ये पूरा फ्रंट तक रैप किया हुआ है, एंड कहीं से भी ना आपको यहाँ पर कोई कमी फील नहीं होगी बिल्ड क्वालिटी वाइज, लेकिन जो कमी फील होगी वो है डिजाइन वाइज, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है ना वो ओनित्सुका टाइगर के जूते से इंस्पायर्ड है। अब ये मैं इंस्पायर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ना, मेरे पास ये मेरा ओनित्सुका टाइगर है,
वो थोड़ा सा गंदा है, आई एम सो सॉरी। मैं आपको दिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ, इसकी डिजाइनिंग ना एग्जैक्टली वैसे करने की कोशिश की गई है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, किसी भी जूते को जब कॉपी करते हो ना एग्जैक्टली उसे वैसा छापना ना बिल्कुल शोभा नहीं देता, लेकिन हाँ दिखता वैसा ही है। क्वालिटी वाइज पूछोगे 10/10 है, डिजाइन वाइज आप डिसाइड कर लो। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगता है डेफिनेटली जा सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट इन द लास्ट जूता के हमारे पास में एक और खूबसूरत सी बहुत ही यूनिक सी कंपनी, ब्रांड का नाम है भाई वुडलैंड। मैं यूनिक क्यों बोल रहा हूँ ना वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मार्फी अवल की भी 2,995 रुपए इतना आपको पेनी करना, डोंट वरी। मैंने अब तक जितने भी वुडलैंड के जूते देखे ना वो सारे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे होते हैं, थोड़े से रगेड कैमल कलर वाले, स्वेड लेदर वाले। ये कुछ नया था इसलिए मैंने सोचा आपको मंगा कर दिखाता हूँ, बताता हूँ। अगर जूते को देखोगे एक नजर में आपको इसके डिजाइन से प्यार होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लीन है। पूरा जूता ऑफ व्हाइट कलर का है, पूरी अपर बॉडी आपको नीडेड फैब्रिक की देखने को मिल जाएगी। फैब्रिक की जो क्वालिटी यानी सॉफ्टनेस जो है ना वो बहुत अच्छी है, पैरों में अच्छे से आपको ग्रिप करेगी, आपके पैर को नहीं मशक्कत करना होगा। फ्रंट की साइड में लेस होल्स के साइड साइड में आपको रबर की कोटिंग देखने को मिल जाएगी, बैक में आपको रबर की कोटिंग मिलती है, बैक में आपको एक पुल टैब देखने को मिल जाएगा, और साथ ही ऊपर में ये जो पतली सी ग्रे लाइन देख रहे हो ना ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग है। अंधेरे में लाइट सोर्स आएगा ये हल्का हल्का रिफ्लेक्ट करेगा। बड़ा सा आपको टंग देखने को मिलता है, पूरा मेश का है, निटेड है, अच्छी क्वालिटी का है, और ऊपर में वुडलैंड की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, वुड स्पोर्ट नीचे लिखा हुआ है। व्हाइट कलर का वो लेस देखने को मिलता है, अंदर की पैडिंग वैडिंग जबरदस्त है। इंसोल की पैडिंग मैं यहाँ पर ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहूंगा, क्योंकि एक तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इन्होंने कौन सा क्या डाला है, मेमोरी फोम है, ऑर्थोलाइट है, नॉर्मल सा फोम है, क्या है इन्होंने नहीं लिखा। उंगलियों से दबाता हूँ ना तो जहां पर प्रेस करता हूँ वो वहां पर दब जाता है, उसके बाद बहुत धीरे धीरे ऊपर आता है, वो मुझे एक अच्छी चीज नहीं लगी। बाकी आउटर सोल की बात करें यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ईवीए फोम देखने को मिलता है, नथिंग स्पेशल। अपर साइड में और बॉटम साइड में आपको हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएगा, बाकी नीचे से पूरा प्लेन है। एंड ओवरऑल अगर जूते की बात करें ना, देखो क्लीननेस तो है लेकिन ये जूता भाई 2,000 रुपए के आसपास का है। इस प्राइस में ना भाई अब बहुत ज्यादा मारा मारी हो चुकी है। आपके पास एशियन है, रेड टेप है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि तगड़ा काम कर रही है, और टॉप में तो रेड टेप रहेगा ही रहेगा। आगे पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, डिजाइन वाइज अच्छा लग रहा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए जा सकते हो। आउटर साइड में इसका आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, साइड में वुड स्पोर्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छी लगी मेक श्योर की चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।